ये बंधुओं भक्तों, जैसा कि आपको विदित है, हमारी एक मुहिम चला रखी है गुरुदेव नर्मदा शंकर जी आचार्य नर्मदा शंकर गुरु जी की सानिध्य में और राहत आदि शक्ति फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में हैं। वार्ड नंबर 19 और आज हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 19 के पार्षद श्री बाबूलाल जी शर्मा और साथ में हैं मोहन लाल जी और संदीप जी पारिक जो राहत आदि शक्ति फाउंडेशन के फाउंडर हैं और साथ में हैं भगवान जी और ये विक्रम जी। सभी आज यहाँ पर जैसे हमने मुहिम चला रखी है उसके तहत सुबह सुबह गौ माता को यहाँ पर जो है गुड़ और रोटी खिलाने का कार्यक्रम है, तो यहाँ पर निवारू रोड के लक्ष्मी नगर इलाके में हम यहाँ पर मौजूद हैं और अभी गौ माता की सेवा करने के लिए सब एकत्रित हैं। बोल गौ माता की जय। प्रातःकाल में और ये है बाबूलाल जी पार्षद वार्ड नंबर 19 के पार्षद। ये देखिए लक्ष्मी नगर में गौ माता को यहाँ गुड़ और रोटी खिलाते हैं। साथ में हैं संदीप जी पारिक राहत आदि शक्ति फाउंडेशन के फाउंडर और ये देखिए मोहन जी विक्रम जी और साथ में राकेश भैया, ये सभी जो हैं यहाँ पर जहाँ जहाँ गौ माता दिखती है और उन गौ माताओं को हम ज़्यादा देते हैं जो कचरे के ढेर को खाती है कि इनको जब भोजन मिल जाएगा तो ये कचरा नहीं खाएंगे, ऐसी हमारी सोच है। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। ये देखिए गौ माता को सुबह सुबह यहाँ पर यह है, हमने मुहिम चला रखी है उसके तहत गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाई जा रही है। ये हैं आचार्य नर्मदा शंकर गुरु जी और इन्हीं के सानिध्य में हम ये अभियान चला रहे हैं और ये संयुक्त तत्वाधान है राहत आदि शक्ति फाउंडेशन के फाउंडर संदीप जी पारिक और रुचि सेठी का। ये प्रातःकाल का समय, आज हमारा ये दूसरा दिवस है, एक महीने तक ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। ये देखिए राकेश शर्मा सपुत्र हैं श्री बाबूलाल जी जो पार्षद हैं उनके और गुरुदेव का सानिध्य है और ये लगातार यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं। एक मुहिम आप सभी से भी निवेदन है कि जहाँ भी आपकी कॉलोनी में आपको कोई गौ माता दिखे तो ये सेवा करें। जय गौ माता, जय गौ माता। परम गो भक्त श्री मोहनलाल जी शर्मा, जय गौ माता, जय गौ माता। ये देखिए गली गली में रोड के ऊपर जितने भी गौ माते हैं उनको सुबह सुबह ये खिला रहे हैं गुड़ और रोटी। जय गौ माता, जय गौ माता। ये गुरुदेव विराजमान यहाँ पे और जहाँ जहाँ भी हमें गायें दिखती हैं वहाँ पर रुक रुक करके खिलाते हैं ये रोटी और गुड़। ये सुबह के समय ये दो गाड़ियाँ, एक गाड़ी है वार्ड नंबर 19 के पार्षद श्री बाबूलाल जी शर्मा की और साथ ही साथ में उनके जो साथी लोग उनकी और ये हैं गुरुदेव आचार्य नर्मदा शंकर जी और इनके सानिध्य में ये काम कर रहे हैं कार्यक्रम। ये देखिए गुरुदेव जहाँ जहाँ, जय गौ माता, जय गौ माता। बिल्कुल आप भी अपने घर के आसपास में या हमारे साथ आइए, सेवा दीजिए। जय गौ माता, जय गौ माता। ये देखिए गुड़ और रोटी खिलाई जा रही है संयुक्त तत्वाधान में और अभिनव ज्ञानमृत चैरिटेबल ट्रस्ट। आप हैं श्री राकेश शर्मा जो कि सुपुत्र हैं श्री बाबूलाल जी पार्षद वार्ड नंबर 19 के और इनके साथ में इनके साथी भी हैं। ये देखिए हमें भी अवसर मिला है गौ माता की सेवा करने का, हम तो लगातार गुरुदेव के सानिध्य में वो सेवा में लग ही रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत कहते हैं आनंद आता है गौ सेवा में। प्रातःकाल मात्र एक डेढ़ घंटे का समय आप निकालिए और जहाँ भी आपको गौ माताएँ दिखें वहाँ पर गौ सेवा कीजिए। वैसे नियमित रूप से अर्थात रविवार की रविवार तो हम ग्वालिया बाबा गौशाला में जा कर के सेवा देते हैं। वार्ड नंबर 19 के पार्षद श्री बाबूलाल जी शर्मा भी हमारे साथ में हैं, आप भी आइए, गोभक्ति परिवार से जुड़िए। यदि गोभक्ति परिवार से जुड़ भी नहीं पाते हैं तो आपके आसपास के माहौल में जहाँ भी गौ माता दिखती है वहाँ पर आप ये सेवा दे सकते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में गौ माता बिल्कुल प्रभु के समान है। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास रहता है। ये पुण्य का कार्य इस जीवन में आए हैं तो आप ये कर ही लीजिए। ये देखिए जय गौ माता। बंधु, जैसा कि आपको विदित है हमने महर्षि पराशर जी की जयंती और शरद पूर्णिमा के दिन से एक मुहिम चलाई थी आचार्य नर्मदा शंकर गुरु जी के सानिध्य में और राहत आदि शक्ति फाउंडेशन के तत्वाधान में। तो इसी के तहत देखिए आज हमारा दूसरा दिन और हम यहाँ पे प्रातःकाल रोजाना गौ माता को
हरा चारा, गुड़ और रोटी का एक प्रावधान हमने कर रखा है। उसी के तहत आज हमें वार्ड नंबर 19 में, जो लक्ष्मी नगर वार्ड नंबर 19 का, और ये देखिए पार्षद हैं श्री बाबूलाल जी शर्मा, आज हमारे साथ ये भी हैं गोसेवा में। ये एक महीने तक हमारा कार्यक्रम चलेगा और इसके तहत सुबह सुबह गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाया जाएगा। आदरणीय संदीप जी पारिक जो राहत आदि शक्ति फाउंडेशन के फाउंडर हैं, और साथ में हैं हमारे मोहन जी शर्मा साहब जो बहुत ही परम गो भक्त हैं और जिनके सानिध्य में हम ये सब कर रहे हैं, वो है आचार्य नर्मदा शंकर गुरु जी। जय गो माता, जय गो माता, परम सेवा गो सेवा। तो आप सभी से भी सादर निवेदन है कि आप भी इस कार्यक्रम में लग जाएं, बल्कि ये कार्यक्रम नहीं, हमेशा ही आपको गो माता की सेवा करनी है। गो माता में जैसा कि हमने बताया 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है, तो हिंदू धर्म में इससे बड़ी कोई सेवा हो ही नहीं सकती। अतः आपसे निवेदन है कि आप जहां भी गौ माता, हम ये नहीं कहते हमारे गौ भक्ति परिवार में ही आप आकर के सेवा दें, बल्कि जहां भी आपको गौ माता दिखें वहां पर गौ माता की सेवा करें। बोल गौ माता की। ये देखिए सभी बंधुजन यहां पर खड़े हैं और ये गौ माता की सेवा हो रही है। आज 21 अक्टूबर 2021 का प्रातःकालीन ये कार्यक्रम यहीं समापन है। जय गो।